सर बताइएगा कि रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी कैसे मैनेज कर रहे हैं दोनों चीजों को? काम तो मैं समझता हूँ एक ही है, एक थोड़ा सा शौक भी इसमें डेवलप हो जाता है जब। तो अब आके आप ये सफाई के हवाले से किस तरह चीजों को मैनेज कर रहे हैं? सो अगर हमें कोई मौका ऐसे मिलता है जिसमें हमें शहर को कुछ पे बैक करना है तो हम उस मौके को जाया नहीं करना चाहिए, मकसद बस लोगों की खिदमत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आशिक तनवीर और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब चेयरमैन रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और साथ ही साथ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं जनाब साकिब रफीक साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया सर पहले तो आपने टाइम दिया। It's okay. It's always a pleasure interacting with the media और आप जैसे लोग जो बड़ा energetically इसको लेके चल रहे हैं, अच्छे से ramp कर रहे हैं, we are always welcome. और pleasure सर, मुझे सबसे पहले सर बताइएगा कि रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी और फिर साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेजिडेंटशिप भी कैसे मैनेज कर रहे हैं दोनों चीजों को? अच्छा, शायद एक बड़ा डिफिकल्ट सा काम है मेरे लिए दोनों चीजें मैनेज करना इस वक्त, पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज बीन सो काइंड एंड एनर्जीज और खास तौर पे साथ में मेरे सीनियर्स की लीडरशिप गाइडेंस है, वो सब कुछ चल भी होती है। और मतलब एक थोड़ा सा शौक भी इसमें डेवलप हो जाता है, जब शौक होता है ना कि यार यू हैव टू सर्व द कम्युनिटी, यू हैव टू अपने शहर को बेहतर तरीके से रहें, क्योंकि मैं एक इस चीज के ऊपर बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि ये वो शहर है कि जिसने हमें सब कुछ दिया। बिल्कुल। सो अगर हमें कोई मौका ऐसा मिलता है जिसमें हमने शहर को कुछ पे बैक करना है तो हमें इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए, उस मौके को अच्छे तरीके से। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्कुल हट के है ना और वेस्ट मैनेजमेंट का काम बिल्कुल अलग से है, तो मैं ये चाह रहा हूँ ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा एक दिलचस्प है इसमें जानना कि किस तरह से एक बंदा जो ताजिरों को रिप्रेजेंट करता आ रहा है इतने अरसे से, हम माशाल्लाह से आपको देख रहे हैं फ्रॉम वेरी यंग एज में आपको देख रहा हूँ, तो अब आके आप ये सफाई के हवाले से किस तरह चीजों को मैनेज कर रहे हैं? मतलब मेंटली थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता चीजों को देखना, नालों की सफाइयाँ, गलियों की सफाइयाँ, बहुत लोकली काम करना पड़ता है। अच्छा, ये काम तो मैं समझता हूँ एक ही है। अच्छा, और मकसद बस लोगों की खिदमत करना। मैं सुहेल अल्ताफ साहब हमारे ग्रुप लीडर हैं, तो वो एक हमें मुझे बात बड़ी क्लियर कहते हैं, मुझे भी सबको ये कहते हैं कि उनका जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपने नीयत ये करनी है कि आज मैंने कोई ना कोई अच्छा काम करना है, मैंने किसी तरीके से खिदमत करनी है। सो मोर और लेस रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज में वी आर सर्विंग द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ द रीजन, हम उनके मसाइल हल करने की बात करते हैं। कमिंग टू द वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, तो यहाँ पे शहर को सफाई सुथराई के हवाले से मैंने आपको बताता चलूँ कि मैंने अपना सरप्राइज विजिट शुरू कर दिया। अच्छा, तो आज सबसे पहला सरप्राइज था, विदेश पहले भी होते रहे बट उसमें मेरी ऑपरेशन टीम को बताता था। अच्छा, अब उनको भी नहीं बताऊंगा, अब उनको भी नहीं बताऊंगा। तो आज सुबह का जो पहला मेरा विजिट था, दैट वाज इन यूनियन काउंसिल 11 शाहबान का एरिया बनता है, तो दैट वाज सरप्राइज विजिट के वहां जब मैं पहुंचा हूँ तो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था सुमन को पता था या मुझे पता था, इवन मेरे ड्राइवर को भी पता था कि हमने कहाँ पे गाड़ी ब्रेक लगा, सही ठीक है, मेरे फोटोग्राफर को भी पता था। अच्छा, और वहाँ जाके आपने सफाई के काम का जायजा, मैंने वहाँ जाके गाड़ी ब्रेक लगाई, तो जब वहाँ मैं पहुंचा हूँ उसके बाद यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर एरिया मैनेजर और मैनेजर्स पे मैंने लोगों को रब्ता किया, मैं कहा मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो विद इन 10 मिनट्स ये लोग वहाँ पर आ गए। सर आप मुतमइन हैं, काम ठीक चल रहा था? जी काम ठीक चल रहा था, जीरो गार्बेज की जो हमारी पॉलिसी है उसके पर काम चल रहा था, बट देखिए ना दिस गार्बेज इज कमिंग 24/7, बिल्कुल ऐसे अभी हमारा कंटेनर साफ होके जा रहा होता है तो फौरन से कुछ इसमें नया गार्बेज आ रहा है, तो वो अगर 11 बजे भी हम करेंगे तो 11:30 बजे गार्बेज आ रहा होगा, 12 बजे भी करेंगे तो 12:30 बजे गार्बेज होगा, तो इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट वो चल रहा है। तो ओवरऑल मैं आई वाज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, मैंने बल्कि वहाँ उनको अप्रिशिएट भी किया जो वहाँ पे एरिया मैनेजर थे और जो वहाँ पे यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर थे उनको भी अप्रिशिएट किया। Still there was a room for improvement. कुछ ऐसे एरियाज थे जो हमने 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर लिए, थोड़े से ओवरलुक हो गए हुए थे, तो वो मैंने वहाँ पे आई मेड दैट यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग कि ये वापस रखना, मैं इसी तरह दोबारा सही करूँ, ठीक हो गया सर। इससे प्रेशर भी एक बना रहता है। यस, इससे प्रेशर भी होता है। फिर मैंने काम किया, मैंने तमाम जो इस वक्त मेरे पास 70 यूनियन काउंसिल हैं इनके तमाम यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर एरिया मैनेजर्स और मैनेजर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वो एडमिन ओनली उसमें किया हुआ, मतलब आज मैंने पहली दफा जब मैसेज किया कि मैं यहाँ पे गया हूँ तो वो बाकी सारे भी तो नो दिल बी अ सरप्राइज विजिट ऑन मंडे, दिल बी अ सरप्राइज विजिट ऑन ट्यूसडे, तो अब चेंबर के काम और इनके कामों को पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हम बिजनेस कमेटी को साथ एंगेज कर रहे हैं जी, मैं मुख्तलिफ एरियाज में कमिश्नर ऑफिस के साथ मिलकर हम कमेटीज बना रहे हैं जहाँ पे उस इलाके के नोटेबल्स को हम साथ मिला के टीम्स बना रहे हैं, कुछ 11 से 12 से 11 से हमने यहाँ सब समाज से बनाई है, तो ये लोग हमारी ताकत बनेंगे, तो विद एनर्जी, मतलब विद एनर्जी ऑफ रावलपिंडी
चेंबर और पिनी वेस्ट मैनेजमेंट इन द नोटेबल्स ऑफ द और दैट मतलब जो ट्रेडर यूनियंस हैं उनके भी तो सफाई के मामला तो हैं, बाजारों में गंदगी के इश्यूज भी तो होते हैं, ये तो फिर हर जगह पे आपको चाहिए, फ्लैट्स हो, हाउसिंग सोसाइटीज हो, घर हो या दुकानें हो, तो सर इनके लिए कोई जामे प्लान एक तरतीब दे दिया जाए? माशाल्लाह आप समझते हैं टेक्नोलॉजी का टाइम है, डिजिटली चीजें मैनेज हो रही हैं, आपका एक टोल फ्री नंबर भी है आई गेस, उस पर भी हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई एक ऐसा मैकेनिज्म क्यों ना तरतीब दे दिया जाए कि चीजें मिलजुल के इकट्ठी चलती है? अच्छा वो उस पर हम काम भी करें साथ साथ, अभी हम आगे चल के हम कोशिश करेंगे पीएचए के साथ मिलकर, पंजाब रोड अथॉरिटी के साथ मिलकर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर हम इंगेज करें और एक मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि सब मिलजुल के इदारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। डिजिटली जहां बात करें, यस 1139 का एक टोल फ्री नंबर है 1139, और मैं पिंडी के तमाम जो शहरी हैं उन सारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1139 के ऊपर टोल फ्री नंबर है, आप कंप्लेन करें, आप हमें बताएंगे जो भी इशू है। इसके अलावा हमारी एक ऐप है, वो ऐप हमने नई लॉन्च की है, क्लीन रावलपिंडी के नाम से ऐप है, तो आप उसके अंदर जाके भी हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। अदर देन दैट हम फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अवेलेबल है, तो आप फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इवन भी अवेलेबल, इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाए, मैं खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ समटाइम्स, हमारा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड करता है, हम फिर उसको फॉलो अप कर रहे होते हैं, फिर हमारा एक कंप्लेंट कर एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें ट्वीट को कॉपी कर देते हैं, फेसबुक कमेंट को कॉपी कर देते हैं, वहां से फिर चैनलाइज हो जाए, फिर वो जो हमारे हिराकी में ऑपरेशंस टीम होती है उसको पिक करती है कंप्लेंट को एंड दे मेक श्योर कि उसे। अच्छा सर लास्टली मुझे बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उसमें थे, वो कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी थी क्या, कोई सिलसिला था उसका? क्योंकि क्यूरियोसिटी है, आप माशाल्लाह सोशली बहुत ज्यादा नजर आते हैं, आगे पीछे काम करते हो, आपकी पिक्चर माशाल्लाह काफी चलती है सुनील साहब के साथ और चीफ मिनिस्टर के साथ, वो वर्क करते हो, तो वो इवेंट किस चीज के लिए था? कोई वेस्ट पर इवेंट था या रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ट्रस्टीज में? दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रावलपिंडी चेंबर में, हमारा एक पीछे प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक डिस्प्ले सेंटर बना रहे हैं फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज, फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो उसका सगे बुनियाद रखने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो आए वहाँ पे, पहले तो उनका अपना प्लान था आने का, बट फिर कैबिनेट मीटिंग भी यहाँ पे आ गई, तो वो जब वहाँ से उठे रावलपिंडी चेंबर आते हुए तो पूरी कैबिनेट को साथ ले, तो इट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर रावलपिंडी चेंबर, रावलपिंडी चेंबर और ऑब्वियसली फॉर रावलपिंडी आल्सो की पूरी कैबिनेट यहाँ किसी इनॉग्रेशन के लिए आई है। और सर एंड पे कोई मैसेज देना चाहे हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? अच्छा मैसेज मैं शहरियों को ये दूंगा कि जी आपको रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर काम करना होगा, आपको हमारी ताकत बनना होगा, आपको हमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे इश्यूज हैं, आपको हमें बताना है कहाँ पे चीज़ों में बेहतरी लानी की गुंजाइश है, बल्कि इसके साथ साथ सिर्फ तमाम शहरी अगर अपना से भी ये काम कर लें कि वो अपने घर, अपनी दुकान, अपनी मार्केट का सिर्फ जो कचरा है वो कंटेनर तक किसी तरह से पहुंचा दें, कंटेनर से आगे रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम है। हमें मुश्किलात तब आ रही होती हैं जहाँ पे हमारे साथ लोगों का तावन थोड़ा सा कम हो जाता है, वहाँ पर उन एरियाज में मुश्किलात हो रही है, बट हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम लोकल कम्युनिटीज के साथ मिल रहे हैं, हम आगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अवेयरनेस सेशन ला रहे हैं, तो आप सब हमारे साथ मिल के इस सफाई को जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है, सफाई निस्फ ईमान है, इसको अच्छे तरीके से करें, हमें रावलपिंडी को और साफ सुथरा शहर बनाना है, और ये रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट अकेले नहीं कर सकता, इसमें हमें आप सबकी मदद दरकार होगी। जी थैंक यू सो मच सर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू।